जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जो हमारे देश की मीडिया है उसकी गलत रिपोर्टिंग की, जिसके लिए मीडिया है जो हमारे देश की उसको डांट पड़ी है जो हमारे देश की सेना है उनकी तरफ से। दूसरा हम बात करेंगे जो हमारे देश की सेना है उसके लिए एक बहुत खुशखबरी निकल के आई है। आज हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने मतलब तीनों जो सेनाएं हैं और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं बिपिन रावत जी, उनके साथ जो CDS हैं उनके साथ मीटिंग की थी डिफेंस मिनिस्टर ने। उन्होंने अब जो सेना के स्थानीय कमांडर हैं जो फ्रंट पे तैनात हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो तैनात हैं उनको खुली छूट दे दी है कि अब वो जैसा चाहे ऐसा फैसला ले सकते हैं जो स्थानीय सिचुएशन है उसके अनुसार। क्योंकि हमारे देश में के बीच में भारत और जो चाइना है उसके बीच में एक समझौता है 1996 में, ये समझौता कांग्रेस के ज़माने में पास हुआ था। इसके अंतर्गत ये है कि दोनों देश की जो सेना है वो पेट्रोलिंग करेंगी जब सीमा पर, तो हथियार नहीं ले जाएंगी। इसके अंतर्गत मतलब हथियार ले जाएंगी लेकिन हथियार जो है उनके पीठ पे होगा, पीठ के पर हथियार होगा, मैगजीन जो है जेब में होगी और जो उसकी नाल है यानी जो बैरल है वो जमीन की तरफ होगा। तो इसी वजह से जो सेना है इसी समझौते की वजह से हथियारों का इस्तेमाल नहीं करती थी। लेकिन अब साफ तौर पर स्थानीय कमांडरों को छूट दे दी गई है कि अगर उनको कोई भी ऐसी परिस्थिति लगती है तो वो पूरी तरीके से हथियारों का इस्तेमाल करेंगी। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है और अच्छी छूट दी गई है। इसके बाद जो हमारे देश की सेनाएं हैं उनका मनोबल बढ़ेगा और ज़्यादा, वैसे भी उनका मनोबल बहुत ऊंचा रहता है। दूसरा जो चाइना है उसको भी सबक मिलेगा, वो ऐसा जो गैलवान वैली में जो हमला हुआ था उस तरह का प्लान जो हमला है नहीं कर पाएगा। दूसरा जो है मीडिया से रिलेटेड है, मीडिया से रिलेटेड ये है कि जो मीडिया है लद्दाख के फॉरवर्ड एरियाज में जा चुकी है और मीडिया जो है लगातार जो वायुसेना के जो एरोप्लेन है वो बता रही है कि ये एरोप्लेन उड़ रहा है, ये उड़ रहा है, ये उड़ रहा है। जैसे कि वो मीडिया खुद बता देती है कि अपाची हेलीकॉप्टर को लगा दिया गया है, चिनूक हेलीकॉप्टर को लगा दिया है जो कि मतलब हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, जो अपाची है अटैक हेलीकॉप्टर है। वो ये भी बता रही है कि Sukhoi-30 MKI लड़ाकू विमान है उनको बाकायदा उनकी फ़ोटो जो वीडियो है दिखा रही हैं TV पे, और जगुआर है, मिराज है, सबको लगा दिया गया है बाकायदा। वो उनकी वीडियो बना बना के जो हमारे देश के टेलीविजन है उन पर लाइव दिखा रही है। इस वजह से जो हमारे देश की सेना की जो ऑपरेशन कैपेबिलिटी है उस पर असर पड़ता है। लद्दाख का जो एरिया काफ़ी ज़्यादा मतलब कठिन है और फिर भी वो लगातार बताते जा रहे हैं जो मीडिया वाले, और मीडिया ने कारगिल युद्ध के समय भी यही किया था। जैसे इंडियन आर्मी आर्टिलरी फायरिंग की तैयारी करती थी तो वो लाइव दिखा देते थे, इसी की वजह से जो पाकिस्तान में TV देखने वाले लोग थे वो तुरंत जो है आतंकवादियों को खबर कर देते थे कि आर्टिलरी फायरिंग होने वाली है, वो अपना बचाव कर लेते थे। तो मीडिया को और मुंबई हमलों के बीच में भी उन्होंने लाइव रिपोर्टिंग की थी जिससे हमारे जो देश के सैनिक थे जो भी कमांडो थे उनको काफ़ी हानि पहुंचती है। तो अब मीडिया को साफ तौर पे एयरफोर्स ने कह दिया है कि वो किसी भी प्रकार की वीडियो फुटेज जो हमारे देश के फाइटर हैं, जो भी हमारे देश के जो लड़ाकू विमान हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, उनकी नहीं दिखाएंगी। तो ये एक अच्छी ऑप्शन लिया गया है जो हमारे देश की वायुसेना है उसकी तरफ से। मीडिया यहाँ की कभी कभी उल्टे काम करती है, ये मैं सोचता हूँ। आपकी क्या राय है ज़रूर बताओ इसके ऊपर। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।